महंगाई की मार एक बार फिर से घर का बजट बिगाड़ने में लगी है। आपको बता दें कि होलसेल बाजार में आटा और मैदा दोनों ही महंगे हो गए हैं, तो वहीं 2,200 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला आटा अब 2,300 रुपये हो गया है, जबकि मैदा 2,400 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह रेट पिछले 15 दिनों के अंदर बना है, साथ ही आने वाले वक्त में यह रेट और भी बढ़ सकता है। तो वहीं इसके अलावा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट पर भी 5% GST लगने के बाद उनका भी रेट बढ़ना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि अगर मौजूदा रेट के हिसाब की बात करें तो होलसेल बाजार में 100 रुपये प्रति किलो पर 75 रुपये की महंगाई बढ़ जाएगी, तो वहीं खुरदरा में आने के बाद यह रेट 2-3 रुपये तक हो जाएगा। सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला आम कारोबारियों के लिए ठीक नहीं है, इससे छोटे उद्योगपतियों को काफ़ी नुकसान होगा। आपको बता दें कि लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इसका विरोध किया जाएगा, यह फैसला पूरे देश के लिए महंगाई लेकर आएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एक तरफ बड़े कारोबारियों को राहत देने का काम किया जा रहा है, वहां छोटे कारोबारियों के लिए मुश्किल बढ़ाई जा रही है, यह हर घर में महंगाई बढ़ाने वाला फैसला है। आपको बता दें कि आटा, दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्री जो नॉन ब्रांडेड में आते हैं उसमें कोई GST नहीं देना पड़ता था, पर 2017 के बाद लागू GST व्यवस्था में इसको शून्य श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 5 साल बाद सरकार इनको 5% GST स्लैब में शामिल करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।